हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर मोस्ट वेलकम हियर एंड विश यू बेस्ट विशेस इन दिस एग्जामिनेशन। नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर योर क्वेश्चन पेपर ऑफ सोशल स्टडीज। नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you have the section A, that is very short answer type question. Question one is, why was Bastille prison attacked? Very easy question. Why was Bastille prison attacked? क्यों Bastille prison पर अटैक हुआ था? आपको French Revolution का chapter है, काफ़ी easy है, you can do it. Number two, what did the French Revolution of 1789 stand for? 1789 का जो French Revolution है, stand किसके लिए है, ये आपको write करना है. फिर है next, what was tithes? एवीजी है। नंबर फोर है, नेम द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल क्लब स्टार्टेड बाय द फ्रेंड्स ओवर। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स सीजिए। नेक्स्ट है, व्हेन डिड फ्रांस एबोलिश द मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। नंबर सिक्स है, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरबियन सी। वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नंबर सेवन, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। नेक्स्ट है, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न नेबर। नंबर नाइन है, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इजी स्टूडेंट, ज्योग्राफी सेक्शन से। नंबर टेन है, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। इलेवन है, नेम एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। नंबर ट्वेल्व है, व्हेन डू वी से दैट इलेक्शंस आर फेयर। इलेक्शंस कैसे फेयर हैं, आप कैसे कह सकते हैं, आपको यहाँ पर ये राइट करना है। नंबर थर्टीन, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, इस चीज़ को आपको यहाँ पे राइट करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट। हियर यू हैव टू कंपेयर डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फोकसिंग हियर दैट विच गवर्नमेंट इज बेटर एंड यू हैव टू फोकस योर वैल्यू फॉर गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक ओके, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है स्टूडेंट्स। नंबर 14 में व्हाई डज अ डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट, यहाँ हो गया, आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें। ये जो है ये डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, ओके। आगे देखिए, व्हाट डज अ कैंडिडेट नीड बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन इन चाइना। चाइना के इलेक्शन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होता है। नेक्स्ट है, नेम अ कंट्री वेयर वीमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट टिल 2015। किस कंट्री में 2015 तक वीमेन्स को वोटिंग राइट्स प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट है, नेम द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। पालमपुर का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है। नेक्स्ट है, गिव टू एग्जांपल ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसके एग्जांपल लिखना है। 90 नंबर, व्हाट आर रबी क्रॉप्स, रबी के फसल क्या होते हैं। नंबर 20, व्हाट इज द मार्केट, बाजार क्या है। ओके, यू हैव टू राइट द आंसर इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ नंबर टू, सेक्शन नंबर बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रांस रेवोल्यूशन ऑन द लाइफ ऑफ पीपल इन फ्रांस। फ्रांस के लोगों के ऊपर वहाँ फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है, व्हाट कंपेल्ड लुई XVI टू रेज टैक्सेस इन फ्रांस। लुई XVI जो वहाँ पे टैक्स बढ़ाया, क्यों बढ़ाया, कौन सी ऐसी कंडीशन उसको कंपेल्ड की, बाध्य की टैक्स को बढ़ाने के लिए। नंबर थ्री है, हाउ डिड द फिलोसफर इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ पीपल ऑफ फ्रांस। फिलोसफर इन्फ्लुएंस क्या है, जिसमें लोगों का, फ्रांस के लोगों की थिंकिंग क्या है, कैसे चेंज हो रही है, इसको आपको राइट करना है। नंबर फोर है, व्हाट मेजर वर टेकन बाय रोबेस्पियर टू ब्रिंग इक्वालिटी इन फ्रांस सोसाइटी। फ्रांस की सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए रोबेस्पियर ने, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने क्या किया, कौन सा स्टेप को लिया। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेनिस कोर्ट ओथ इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में टेनिस कोर्ट ओथ क्या है, इस चीज़ को आपको राइट करना। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ट बाय द इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, वाई इंडिया ओशियन नेम्ड आफ्टर कंट्री इंडिया। क्यों इंडियन ओशियन का नाम
जो है इंडिया के बाद क्यों पड़ा, इंडिया के नाम पे क्यों पड़ा, रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों उसी का इंडियन ओशन नाम है। यू हैव टू राइट द रीजन हियर। नाउ वाई 82 मिनट 30 डिग्री हैज़ बिन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। ये क्यों स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम इसको माना गया, आपको मालूम है कहाँ से निकला होगा, उत्तर प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको नहीं बताएंगे, बाकी सारी चीज़ आपको मालूम है कहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लिया गया है, इस चीज़ को आपको राइट करना है। नंबर 9, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, जो कंट्री इंडिया से लार्जर है उसका नाम लिखना। नेक्स्ट है, व्हाट आर 3 मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स 3 क्या हैं। 11, इज चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री आर नॉट, गिव टू आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ योर आंसर, वेरी स्टूडेंट्स। नंबर 12, एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच के डिफरेंस को आप यहाँ पे राइट करना। नंबर 13 है, व्हाट आर द एसेंशियल 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। सबसे पहले चैप्टर चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स में पहले पेज पर का ही सारी चीज़ें आपको हमने पढ़ाया था प्रोडक्शन से रिलेटेड, एक आप फीजिए 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 13 है, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन विलेज पालमपुर, पालमपुर विलेज में कौन कौन सी क्रॉप्स की क्रॉपिंग होती थी, यू हैव टू राइट। नाउ नंबर 3, सेक्शन नंबर 3 से लॉन्ग आंसर है, हाउ वाज द फ्रांस सोसाइटी ऑर्गेनाइजेज, व्हाट प्रिविलेजेस डिड सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंजॉय, फ्रांस सोसाइटी कंडीशन क्या थी, कौन से वहाँ पे ग्रुप थे, कौन से स्टेट थे जहाँ पे प्रिविलेज का स्पेशल राइट्स का एंजॉय करते थे, यू हैव टू फोकस यू। आफ्टर एक्सप्लेन द रोल ऑफ थिंकर्स एंड फिलोसफर इन द फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रांस रेवोल्यूशन में थिंकर्स का और वहाँ के थिंकर्स का फिलोसफर का क्या रोल था, उसको राइट करना। फिर राइट ए नोट ऑन द लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया, इंडिया का एक्सटेंट साइज लोकेशन क्या है, इस चीज़ को आपको राइट करना। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रूट्स टू इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स, लैंड रूट्स का क्या कंट्रीब्यूशन, इसको लिखना है। फिर हाउ कैन यू से दैट पालमपुर वेल डेवलप्ड विलेज, पालमपुर वेल डेवलप्ड विलेज क्यों कहा जा रहा है, वहाँ पर क्यों कौन सी फैसिलिटी थी, चाहे एग्रीकल्चर में, चाहे हेल्थ में, चाहे एजुकेशन के मामले में, इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पर राइट करना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन रीजन टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन ईयर इन पालमपुर, कानपुर पालमपुर में एक साथ 3 डिफरेंट क्रॉप्स जो होती थी, इसको मल्टीपल क्रॉपिंग हम बोलते हैं, वो क्या है, यू हैव टू राइट हियर। नंबर 4 है, नेक्स्ट सेक्शन डी, लोकेट एंड लेबल द प्लेस ऑन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, द स्टेट विच शेयर इट्स बाउंड्रीज विद चाइना, नेपाल एंड भूटान, वो सारे स्टेट्स को लिखना है जो इन सारे कंट्रीज को टच करती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को वहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। फिर नंबर 5 में जो है, लोकेट द लेवल ऑफ फॉलोइंग आइटम ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ फ्रांस, लोकेट द फॉलोइंग सिटी, ब्रोडेक्स, नॉर्मेंडी और नाइंटीज, ये 3 सिटीज़ को आपको वहाँ पे लोकेट करना। फिर अब पोर्ट ऑफ फ्रांस रिलेटेड टू स्लैब ट्रैक, इन चीज़ को, सारी चीज़ों को आपको फ्रांस के वर्ल्ड मैप पे, जो है फ्रांस के मैप पर शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द डिस्क्रिप्शन फॉर योर क्वेश्चन पेपर ऑफ सोशल स्टडी, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।